हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो बलरामपुर जिला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक बलरामपुर जिला के नाम से जाना जाता है। बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिसके वजह से इस ज़िले की सीमा नेपाल देश से मिलती है। बलरामपुर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस बलरामपुर शहर में ही मौजूद है और बलरामपुर ज़िला देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। बलरामपुर ज़िला पहले गोंडा ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बलरामपुर ज़िला को गोंडा ज़िला से अलग किया जा चुका है। इस ज़िले का गठन 1 मई 1997 में गोंडा ज़िला के बंटवारे के समय किया गया था। इससे पहले बलरामपुर गोंडा ज़िले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। बलरामपुर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम श्रावस्ती ज़िला, गोंडा ज़िला और सिद्धार्थनगर ज़िला है। बलरामपुर ज़िला में 3 तहसील, 9 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 14 पुलिस स्टेशन, 190 डाकघर, 2 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद, 801 ग्राम पंचायतें, 4 शहर और 1001 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3349 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बलरामपुर ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,24,000 के करीब है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बलरामपुर ज़िला की कुल आबादी 21,49,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 11,15,000 और महिला की कुल आबादी 10,34,000 है। बलरामपुर ज़िले का औसत लिंगानुपात 928 के करीब है, यानी कि बलरामपुर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 928 महिला हैं। बलरामपुर ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 62% और मुस्लिम धर्म की आबादी 37.5% है। बलरामपुर ज़िला के मुख्य नदी का नाम राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 169 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 717 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िले की साक्षरता दर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, यानी कि आधा से बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर यहाँ की साक्षरता दर 49% है। बलरामपुर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं। ML डिग्री कॉलेज बलरामपुर सिटी, माँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शांति स्मारक डिग्री कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, सरस्वती ज्ञान मंदिर और चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। व्यवसाय की बात करें तो बलरामपुर ज़िला में 7,60,000 लोग काम करने वाले मजदूर हैं, जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले दोनों शामिल है। वैसे ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यहाँ पर चीनी, गेहूँ, धान काफ़ी भारी मात्रा में होता रहता है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से स्टेट हाईवे संख्या 26 और नेशनल हाईवे संख्या 330 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है।
यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बलरामपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बलरामपुर रेलवे स्टेशन है, जो गोरखपुर गोंडा लाइन पर स्थित है और बलरामपुर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।